उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपने इंटरव्यू में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, बेबाकी से अपनी राय रखी है, अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, वो अच्छी तरह से जानती है कि हम उनकी पूंजी हैं। वहीं अगर नतीजों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? इस सवाल के जवाब में हरीश रावत ने कहा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये फैसला पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी को नसीहत देते हुए हरीश रावत ने कहा, अभी उत्तराखंड को समझने की ज़रूरत है। बीजेपी ने चुनाव में शराब पैसे बांटे तो हमने इस मामले की इलेक्शन कमीशन में शिकायत की। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप निर्भीकता के साथ वोट करें। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हरीश रावत को अभद्रता पूर्वक कई बयान दिए गए। इस मामले पर हरीश रावत ने कहा, अमित शाह ने मुझे कुत्ता कहा, जनता देख रही है, मैं तो कुत्ते को भैरव का रूप मानता हूँ। मैं उन्हें और प्रधानमंत्री को फिर भी आदरणीय ही कहूँगा, क्योंकि ये कुत्ता उत्तराखंड के हितों का चौकीदार है जो समय पर शेर की तरह झपटता है। आपको बता दें, बीते कई दिनों से हरीश रावत लगातार चर्चा में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम इल्ज़ामों पर दिन रात वो कटाक्ष कर रहे हैं। चुनाव में जनरल बिपिन रावत का नाम भुनाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, उस पर भी हरीश रावत ने अपनी राय रखी और बीजेपी को घेरा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।